नमस्कार, मैं आपका आलोक रंजन। आज हमारे साथ हैं धर्मेंद्र जी, और समाज शास्त्र में इनके बहुत सारे कीर्तिमान हैं। जो पिछला हिंदी माध्यम का अच्छा रैंकर आया था, अनिरुद्ध कुमार जो हिंदी माध्यम का रैंक वन था, वो इनका ही छात्र रहा है। जैसे भूगोल में शैलेंद्र सिंह इंदौलिया मेरा लास्ट 38 रैंक था, तो सर का भी जो हिंदी का उसके बाद जो हाईएस्ट रैंक आया वो धर्मेंद्र जी का स्टूडेंट रहा। और इंग्लिश माध्यम में भी इनके बड़े सारे कीर्तिमान हैं, और इनके विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो देश में जहाँ तहाँ जो DM SDM बैठे हैं उनके उनसे आप बात कर सकते हो। देखा है मैंने टेंडेंसी हिंदी माध्यम में ऐसे बहुत सारे छात्र अब इस तरह का लिखते हैं, कुछ फेसबुक पे या कहीं भी लिखते हैं, वो शिक्षकों के विषय में बहुत ही गलत कुछ लिखते हैं, और ऐसा लगता है धर्मेंद्र जी से हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, वी आर सिंपली डूइंग ए थैंकलेस जॉब। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग जिन छात्रों से बहुत गहराई से प्रेम से जुड़े रहे हैं और जिन छात्रों ने विश्वास किया और निरंतर जुड़े रहे, वैसे छात्र जो क्लास में आते हैं, क्लास अटेंड किया, वो जज करते हैं टीचर्स को, जजमेंटल स्टेटमेंट्स देते हैं, फिर वो चले जाते हैं क्लास से और बाहर चाय पे पता नहीं क्या गोष्ठी करते हैं, वो हमसे 100% नहीं ले पाते हैं। उसका कारण क्या है कि कोई भी टीचर धर्मेंद्र जी एक क्लास में 100% तो अपना डिलीवर नहीं कर सकता है, ये तो सत्य है ना। वो क्या कर सकता है, 60% कर पाएगा, 40% तो आपको बढ़ करके ऐड करना है। और दूसरा रास्ता ये है कि आप शिक्षकों से जुड़े रहिए, उनके पर्सनल लेवल पे जुड़े रहिए। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास और कई बार टाइम का कॉस्टली होता है, टाइम क्लियर नहीं होता है, तो भी एक दो बार प्रयास करके आप जुड़े रहिए तो शायद आप लोग के लिए कुछ अच्छा ही कर पाए हम लोग। धर्मेंद्र जी आप ये बताइए कि जो हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट आ रहा है पिछले कुछ एक दो वर्षों में विशेष करके, वो निरंतर पतन की ओर है, तो क्या इसके लिए हिंदी माध्यम की संस्थाएं या उसके शिक्षक या छात्र या जो पढ़ने की पद्धति है या जो स्टडी मटेरियल्स है, कहाँ हम लोग इस ब्लेम को शिफ्ट करें या सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें? अभी पिछले महीने मैंने एक वीडियो बनाया था हिंदी मीडियम के जब रिजल्ट आए उसके गिरने के बाद, काफ़ी वायरल हुआ, लोगों ने देखा। दो बातें समझनी पड़ेंगी कि आपको भी मैं, और इसमें मैं ये जो बोलने जा रहा हूँ वो ब्लेम मैं अपने ऊपर भी ले रहा हूँ, आपको भी दूंगा। 2006-07 तक देखिएगा हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, 2011 तक, मतलब मैं बता रहा हूँ 2006 मतलब साल इधर उधर होगा। उसके बाद क्या कि उसके कारण क्या था देखिएगा कि हिंदी मीडियम के जो टीचर थे वो खुद ही डायरेक्टर थे, खुद ही दो दो तीन तीन विषय पढ़ाते थे, अपने अंदर बेस्टेस्ट ऑफ द टीचर्स को रखते थे और एक बिल्कुल टीम वर्क के साथ काम करते थे। फिर आप देखिएगा कि 2016 के आसपास ये जो 13-14 साल पढ़ा के थक चुके थे, इन्होंने कॉरपोरेट मॉडल किया, अपने बन गए CEO, इन्होंने अपने नीचे टॉम डिक हैरिस को नियुक्त किया, ये एक सेंटर वो सेंटर, खूब सारे लाइट्स, खूब सारे वीडियोस ये करे और व्यवसायीकरण किया, और टीचिंग की जो क्वालिटी है ना वो इतनी, मतलब इंक्लूडिंग मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ कि मैं जब ये कह रहा हूँ तो किसी पर शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि जो टीचर था वो CEO हो गया, और CEO क्या करने लगा कि वो मार्केट से 1000 रुपये पे 2000 रुपये पे टीचर पिक करने लगा। आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब आलोक सर ने मुझसे कहा इस पर, इससे पहले इतने ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हुए मैं नहीं जाते, क्योंकि जब तक कन्विक्शन ना हो कि मैं यहाँ डिलीवर कर पाऊंगा। जब सर ने पूरे प्रोजेक्ट को समझाया, मैंने टाइम लिया सर आपसे, मैंने कहा सर थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, और जब मैं दो दो तीन तीन बार मिला, सर की बातें सुनी, जब मुझे लगा कि नहीं, एक इट इज नॉट जस्ट अनदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मुझे लगा कि सर डिलीवर करना चाहते हैं रिजल्ट को। और बेसिकली सर देखिए अमेजिंग प्राइस, अगर मान लो कि बीसीएस का बैच 8000 रुपए का रन करा जा रहा है और आईएएस का बैच 12000 रुपए का दिया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है, ये सोशल जस्टिस, यही सोशल जस्टिस है। इस पे भी कुछ स्टूडेंट मुकाबले हैं और उस पे भी कुछ नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, उनको पता नहीं क्या करना है, उनके लिए कुछ समझ नहीं आता कई बार। देखिए सबसे मैं आप सबसे निवेदन भी करूंगा कि बहुत सकारात्मक सोचा करिए जीवन के बारे में। आप जितने भी बड़े लोगों को देखेगा, चाहे वो मोदी हो, चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, जैसे मैं आज़ादी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी, तब भी एक बार भी आप गांधी जी को, नेहरू को ये नहीं सुनिएगा कि मतलब आज़ादी नहीं मिलेगी, या एक बार भी आप इतनी गरीबी है तब भी देखिए मोदी जी ने एक पॉजिटिव लाइन बोला, अच्छे दिन आएंगे, कैसे आएंगे कोई नहीं बोला, लेकिन लोगों ने विश्वास किया,
कहने का मतलब कि जो आप सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। सबसे पहले सकारात्मक सोचिए, कोई कितनी भी आपको नेगेटिव कर रहा हो, नेगेटिव बातें कर रहा है, आप उसको अवॉइड कीजिए। हम लोग भी बहुत मुश्किल वक्त में आपके साथ काम करते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम आपसे रिजल्ट लेंगे। यही सोचकर हम क्लास पे आते हैं, यही सोचकर हम वीडियो पे आते हैं। हम ये सोच लें कि आप तो पढ़ेंगे ही नहीं, आप तो नेगेटिव सोचते हैं, तो हम भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो सकारात्मक जो हिंदी माध्यम के बच्चे आते हैं, तो मैंने बहुत जीएस में कहीं पढ़ाया नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं है जीएस ज्योग्राफी का ऐसा कुछ। हाँ, एक दो संस्थाओं से कभी साल में एक दो बैच का अनुभव मेरा भी है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड आएगा, बैठेगा। अब उन लोगों को ये कहा जाता है ना कि आप हिंदू इंग्लिश न्यूज पेपर पढ़िए, तो कहते हैं नहीं, हिंदी का अल्टरनेटिव बताइए। अब वो कहते हैं कि ज्योग्राफी एन यू एक मैगजीन है, तो ज्योग्राफी एन यू एक मैगजीन है, तो हम कहते हैं कि इंग्लिश वाला वर्जन पढ़िए, हिंदी वाले का जो ट्रांसलेशन है वो एक तो गलत है और दूसरा हिंदी वाले में आर्टिकल्स भी लगाते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट कहते हैं कि उसका हिंदी वर्जन मुझे चाहिए। लेकिन इसका कारण ये भी हो सकता है कि हिंदी के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इनका बैकग्राउंड ही हिंदी मीडियम पृष्ठभूमि है। लेकिन क्या ये बच्चे 2 महीने 3 महीने की तैयारी में, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि बेसिक इंग्लिश ये सीख लें पहले? और अगर बेसिक इंग्लिश अगर सीख लेते हैं तो अखबार और मैगजीन्स को कम से कम पढ़ पाए। आखिर सीसेट जब क्वालिफाई करना होगा तो इंग्लिश की शब्दावलियों को कॉम्प्रिहेंशन में डाला जा रहा है, बिल्कुल डाल रहे हैं ना लोग। और मेंस में भी आप जाओगे तो क्वालिफाई इंग्लिश आपको करना ही करना है, तो फिर आईएएस का जो सपना है वो तो सीसेट भी तो ब्लॉक कर रहा है, आपका इंग्लिश नहीं पढ़ने का कारण भी तो कर रहा है। तो और ये कोई फंडामेंटल राइट तो है नहीं टू बिकम आईएएस, ऐसा कोई आर्टिकल में तो नहीं है ना। तो फिर इस पे कोई आंदोलन भी नहीं हो सकता है। ये तो यूपीएससी का है कि हमारा अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड हम देखते हैं, उसमें हम एफिशिएंसी देखते हैं, हम उन बच्चों को लेंगे जो एफिशिएंट है, जो अंग्रेजी पढ़ पाए कम से कम। अब चूंकि मैंने ये आप लोगों के सहयोग से एक टीम बनाई है और हमारी बड़ी इच्छा है कि हम इस पर कुछ अच्छा काम करें। इंग्लिश मीडियम में भी बैचेज आ रहे हैं, लेकिन हिंदी माध्यम के प्रति थोड़ा इमोशंस मेरा एक्स्ट्रा रहता ही रहता है। जब मैंने करो लाल इंग्लिश मीडियम बैच बंद करके यहाँ हिंदी मीडियम को पढ़ाया, जारी रखा अपना पढ़ाई, हालांकि उसके भी कई लोग अपना थ्योरी लगाते रहते हैं कि इनका ये हुआ वो हुआ, जो भी है तो नेगेटिव लोग तो हैं दुनिया में। लेकिन अभी ये जो है ना, ये ऐसा प्रयास जरूर करने की कोशिश किया जा रहा है, जहाँ पे आप जो 7 लोग हमसे जुड़े हैं, ये सब अपने अपने क्षेत्र के बहुत पावरफुल टीचर हैं। अगर हम नाम लेंगे मंजीत सर का, तो भाई इंडियन पॉलिटी में उनसे अच्छा कौन पढ़ाएगा? प्रोफेसर हैं, पीएचडी हैं, आप हैं इंडियन सोसाइटी में 15-20 साल से पिलर हैं आप। तो इस तरह से अभी सारे जो हमारे टीचर हैं, रजनीश राज जी हैं, जो भी है टीचर लोग हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चे आप लोगों को इतना छोटा प्राइस में ये कोर्स तो लेना चाहिए, एक बार ट्राई आउट करना चाहिए। और हम लोग पूरे कोर्स को और मटेरियल को इस तरह से नियंत्रित भी कर रहे हैं, समाजशास्त्र का पूरा मटेरियल नियंत्रण में होगा, करंट अफेयर भी यही सही आपका उसका ध्यान रखेंगे। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि आने वाले 2-3 वर्षों में आप मेहनत करके उस मुकाम को आप प्राप्त करो और हिम्मत आप नहीं हारो। सर एक प्रश्न और आपसे, आप ये बताइए कि इंडियन सोसाइटी और जो आप सोशल जस्टिस ये सब जो मुद्दे आप पढ़ाएंगे, तो उससे निबंध में कितना हेल्प मिलेगा? आप लोग अगर ये, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में काफ़ी चर्चा की, आप देखिए कि चूँकि सर ज्योग्राफी के हैं, मैं सोशियोलॉजी का हूँ, आज तक आपने सोशियोलॉजी के स्टूडेंट को और मैंने भी कभी एसी की क्लास नहीं की है। तो जो मैं इंडियन सोसाइटी और जस्टिस पढ़ाऊँगा, आपने नोटिस करना आना, आप पिछले 10 साल के 5 साल के पेपर देखिएगा कि एक क्वेश्चन वहाँ से आना ही आना है। तो बेसिकली मैं पढ़ाऊँगा बेशक इंडियन सोसाइटी या 50 मार्क्स का और जस्टिस 30 मार्क्स का, लेकिन 250 मार्क्स का ऐसे आपका ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। तो एक तो एथिक्स वाले पेपर में, एथिक्स का भी देखिए पूरा, मतलब आप देखिए यूपीएससी क्या है, चाहे आप आईएएस बने, चाहे आईपीएस बने, चाहे आईआरएस बने, अल्टीमेटली आपको इस समाज को ही मैनेज करना है। तो जब तक समाज को समझेंगे नहीं, उसको मैनेज कैसे करेंगे, इसको प्रोग्रेस कैसे करेंगे, उसको कैसे आगे ले जाएंगे? तो बेसिकली इसीलिए देखिए सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके चारों सब्जेक्ट में है, जीएस के चारों पेपर में, एथिक्स में भी है। आप तो खुद देख रहे होंगे कि जो लैंड रिफॉर्म्स वगैरह जो 3rd पेपर में है, वो सब हमने सोशियोलॉजी में बहुत डिटेल पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि वो चाहता है कि समाज की जहां जहां समझ होनी चाहिए आपकी बने। हम अपने स्टूडेंट से कहते हैं जीएस क्लास में कि आपको यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है तो कभी भी ज्योग्राफी और हिस्ट्री मत उठाइए, नहीं तो आप टेक्निकल चीजों में पागल हो जाइएगा। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देगा आप रटोगे, दूसरा आपको ज्योग्राफी में साइंस घुसाएगा आप वहां पागल बनोगे।
ज्यादा अच्छा है कि आप इंडियन सोसाइटी से ही शुरू करो, बहुत आसान का सामान्य सा कॉन्सेप्ट है, उसमें डेमोक्रेसी आ जाएगा, डेमोग्राफी आ जाएगा, डेमोग्राफी आ जाएगा, तो ये प्रिपेयर करता है बच्चों को पॉलिटी के लिए, राइट राइट। तो सोशियो के बारे में कहते हैं पॉलिटी का, एग्जैक्टली इस तरह का सीक्वेंसिंग इन लोगों को, इजी एंट्री बोलते हैं यूपीएससी एंट्री करने का, एक जो सामान्य गेट होता है, आसान गेट होना चाहिए। हमने एक नया मॉडल बनाया है जहाँ पे आपका एक बड़ा रोल है और सभी शिक्षकों का एक बड़ा रोल है, और धन्यवाद आप हमसे जुड़े हैं और हमारी संस्था से जुड़े हैं धर्मेंद्र जी, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करिए और हम लोग निश्चित तौर पे जो भी बेस्टेस्ट ऑफ द नॉलेज हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकता है, विजडम होता है जो हमने इतने सालों के अनुभव से अर्जित किया है, आपको बहुत कम समय में आलोक जी के नेतृत्व में आपको हम डिलीवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।